بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم له ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. اللهم صل على محمد. إكمال الدين وإتمام النعمة کے عنوان پر یہ ہماری نئی تقریر ہے اور کل اس سلسلے کی آخری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہوگی. اب تک جو کچھ بھی کہا گیا اور جن مسائل پر گفتگو کی گئی میں ان تمام مقامات بحث سے یا اس طریقے گفتگو سے صحیح طور پر مطمئن نہیں ہوں، اس لیے کہ میں جان رہا ہوں کہ اپنی کوتاہی علم کے ساتھ اور اپنے نارسائی کی ساری کیفیتوں کے ساتھ صحیح طور پر پورا حق عنوان کا ادا نہ ہو سکا. کوشش صرف یہی کی گئی ہے کہ ایک سینوپسس تیار ہو، عنوان کا ایک تجزیہ کیا جائے اور عنوان کے تحت کہاں کہاں گفتگو ہو سکتی ہے ان منازل کو آپ کے لیے معین کر دیا جائے تاکہ سوچنے والے دماغ اس راہ میں کچھ اور کام کریں اور ان کی فکر روشن ہو. اگر سلسلہ گفتگو محفوظ ہے تو ایک مرتبہ پھر اسی منزل سے گفتگو کو شروع ہونا چاہیے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا العقل دلیل المومن، عقل مومن کے لیے رہبر ہے، دلیل یعنی رہبر، العقل دلیل المومن، مومن کے لیے عقل راہبر ہے. اور ارشاد فرمایا العقل حفظ التجارب، اور عقل تجربوں کی حفاظت کا نام ہے. وہ خیر ما جربت خیر ما وعزق، اور تیرا بہترین تجربہ یہی ہے کہ کس بات سے تو نے سب سے زیادہ نصیحت کو قبول کیا ہے. تو
मोमिन के लिए राहबर अक्ल है। अक्ल की तारीफ यह है कि तजरबों की हिफाजत हो। एक मरतबा तजरबा, दो मरतबा तजरबा, तीन मरतबा तजरबा कर लेने के बाद आदमी बार बार तजरबा नहीं करता, बल्कि तजरबे उसको यकीन की मंजिल तक लाते हैं। और जब तजरबात में वो पुख्ता हो जाता है तो तजरबों की हिफाजत से यकीन पैदा होता है, और यकीन की मंजिल पर वो बार बार आजमाना नहीं चाहता, बार बार इम्तिहान नहीं चाहता कि आज इनको आजमाओ कल उनको आजमाओ, ऐसा नहीं है। जिसके मुतालिक तजरबा हो गया फिर उस तजरबे की हिफाजत का नाम अक्ल है। तजरबे की हिफाजत का नाम अक्ल है कि महफूज कीजिए तजरबे को, ताकि हमेशा वो महफूज शुदा तजरबे आवाज दें कि अब बार बार इम्तिहान की जरूरत नहीं है, चलो यकीन की राहों में आगे बढ़ जाओ। तो ये दूसरी मंजिल थी आज के, जिसको हम तय करना चाहते थे कि अक्ल के लिए आप अपनी फिक्र के एतबार से इस बात को महफूज रख सकें कि आपके गुज़िश्ता तजरबे बड़े अहम हैं, बड़े अहम हैं। अक्ल के एतबार से इंसान तजरबों ही से काम लेता है। हैवान के पास तजरबे की कोई कीमत नहीं होती, हैवान गुज़िश्ता वाकयात से कोई दर्स नहीं लेता। तजरबा फकत इंसान ही के लिए है, और इसीलिए तजरबा इंसान के अक्ल की दलील बनता है। इरशाद हुआ सूरह फुरकान में, अम तहसबु अन्नहुम यस्मऊन औ याकिलून, क्या तुम समझते हो आए पैगंबर कि ये लोग सुन के अक्ल से काम ले रहे हैं। इन्हुम इल्ला कलानाम बलहुम अजल्लो सबीला, ये तो हैवान है, हैवानों से भी बदतर है, इसलिए कि सुनते जरूर है मगर इनकी समाअत इनको तअक्कुल तक नहीं ले जाती। सिर्फ आवाज को सुन रहे हैं मगर वो सुनी हुई आवाज उनको दावत अक्ल नहीं देती। सूरह फुरकान के बाद हम चाहते हैं कि एक मर्तबा और फिर कैफियत अक्ल पर गुफ्तगू हो। जिन हजरात ने अपने अपनी फिक्र को इस हदीस तक पहुंचाने की कोशिश की है उनके लिए थोड़ी सी तकरार है, मगर वो तकरार इसलिए है कि उनका हाफिजा ताजा हो जाए। हजरत इमाम मूसब न जाफर ने अपने पदर गिरामी से नकल किया, उन्होंने अपने पदर गिरामी से नकल किया, उन्होंने अपने पदर गिरामी से नकल किया, उन्होंने हुसैन इब्ने अली से नकल किया, हुसैन इब्ने अली ने अपने पदर बुजुर्गवार से रिवायत की, उन्होंने खत्मी मर्तबत से रिवायत की कि जब खुदावंद अली आला ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया तो अपने नूर से पैदा किया, अपने नूर मकनून से पैदा किया, नूर मखजून से पैदा किया। ये मैं इसको बिहार से पढ़ रहा हूं और वाफी से पढ़ रहा हूं। अपने नूर मकनून से पैदा किया, नूर मखजून से पैदा किया, और जब ये अक्ल का पैकर सामने आया तो इसको जरूरत हुई नफ्स की, पैकर अक्ल को जरूरत हुई नफ्स की। फरमाया तुझे नफ्स की जरूरत है, हम इल्म अता करते हैं ताकि नफ्स से अक्ल बन जाओ। अक्ल के लिए नफ्स इल्म है। इरशाद हुआ जरूरत है तुझे रूह की, हम करार देते हैं तेरे लिए फहम को रूह। अकल के लिए नफ्स इल्म, रूह फहम। इरशाद हुआ जरूरत है आंखों की, हम हया को तेरी आंखों की जगह अदा करते हैं ताकि अकल के लिए हया आंख बन जाए।
इरशाद फरमाते कतमी मर्तबत के हया को आंख करार दिया, आवाज आई पै करे अक्ल के लिए दिल की जरूरत है, हम दिल बनाते हैं और कल्ब की जगह दिल अक्ल की जगह रहमत को रख दिया कि अक्ल के लिए दिल रहमत बन जाए। इरशाद फरमाया तेरे लिए सर की जरूरत है, अक्ल के लिए रास बनाया जोहद व तकवा को कि जोहद व तकवा अक्ल के लिए सर बन जाए। अक्ल के लिए इरादे की जरूरत थी कि जा तुझे अब इरादा अता करते हैं और इरादे में रफअत अजमत बुलंदी तुझे सौंपते हैं ताकि जिस मंजिल पर तू इरादा करे वहां राफत तेरे लिए हो, अजमत तेरे लिए हो, बुलंदी तेरे लिए हो। और हाँ, तेरे आजा व जवारे के लिए 10 और खुसूसियतें चाहिए, ये 10 दौलतें तुझे अता करते हैं, यकीन, ईमान, सिद्क, इखलास, सकीना, विकार, राफत, अतूफत, तस्लीम, शुक्र, कनात, ये ले, ये 10 दौलतें हम तुझे अता करते हैं। अक्ल ने 10 दौलतों को लेकर सजदा किया, 1000 बरस तक नूरी, 1000 बरस तक अक्ल बारगाह रब्बुल इज्जत में सजदे में पड़ी रही, आवाज आई रहमत मुतलका की, सर सजदे से उठा, मांग क्या मांगती है, आज जो सवाल कर ले हम तुझे अता करेंगे। अक्ल ने सजदे से सर को उठाकर आवाज दी, सिर्फ एक चीज मांगती हूँ रब्बुल इज्जत से, और वो ये कि जो मुझसे काम ले उसके हक में मेरी शफाअत को कबूल कर। ये गुफ्तगू तो इस सिलसिले में बात होगी, मगर इतना बतलाऊं कि ये दरियाए इल्म कहां बह रहा है, ये अक्ल की तारीफ कहां हो रही है। आदत नहीं है मुबारज़त तलबी, वरना पूछता कहीं और भी ऐसी हदीस नजर से गुजरी, किसी किताब में बतला दीजिए अहादीस की कि अक्ल की यह तारीफ की हो और मकाम खातम से यह तारीफ आई हो। अक्ल की तारीफ की, अक्ल ने सजदा किया और हुक्म माबूद पर सजदे से अक्ल ने सर को उठाया, तो यही मांगते हो कि जो अक्ल को काम में लाए और अक्ल से आगे बढ़े उसके हक में अक्ल की शफाअत कबूल हो। कहा मंजूर, अब मकाम शफाअत मकाम अक्ल है, मकाम शफाअत बेअकली नहीं है, और हक के शफाअत अक्ल को है, हक के शफाअत अक्ल को है, जहल को नहीं है, जहल को नहीं है। इसलिए शफाअत की मंजिल पर कोई जाहिल यह नहीं कह सकता कि हम काफी हैं। सब इसीलिए चुप थे कि हर एक को अपने मबलग इल्म का पता था, ये काम तो अक्ल का है कि मकाम शफाअत पर आकर वो आवाज दे कि परवरदिगार मैं शाफे हूं। तो अक्ल ही के लिए शफाअत है, और चूंकि अक्ल और शफाअत साथ साथ है रोज अजल से, इसलिए शफाअत को वो समझ ही नहीं सकता जो अक्ल से महरूम है। इसलिए जिस किसी ने शफाअत पर एतराज किया है उसने शफाअत पर एतराज नहीं किया, अक्ल पर एतराज किया। हम तहसब अन्ना अक्सर हम यस्मऊन और याकिलून, क्या तुम ये समझते हो कि ये सब के सब सुन के ताकुल से काम लेंगे? नहीं, बात इतनी है फी कुलूबहिम ज़ैगुन, इनके दिलों में कजी है,
और जहां दिलों में कजी आई वो मुतशाबहात की पैरवी करना चाहते हैं मुहकमात को छोड़कर, मुहकमात को छोड़कर मुतशाबहात की पैरवी करना चाहते हैं, और उनको मालूम है वमा यालम तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, के तावील को नहीं जानता मगर अल्लाह, और तावील से वाकिफ नहीं है मगर वही जो रासिखून फिल इल्म हो, रासिख हो इल्म में, यानी खुदा जिनको रासिख कहे, खुदा जिनको इल्म में पूरा कहे, वही तावील को जानते हैं। यानी तावील आसान नहीं है, तावील आसान नहीं है, उसके लिए रासिख फिल इल्म की जरूरत है, और चूंकि तावील ही के लिए मासूम जिहाद करता है, इसलिए जिहाद को कोई समझ नहीं सकता जब तक के इल्म से वाबस्तगी न हो, और जिहाद की कोई इजाजत नहीं दे सकता जब तक के रासिख फिल इल्म। तावील पे गुफ्तगु है। बहरहाल चूंकि वक्त कम रह गया है और बहुत सी मंजिलों को तय करना है, इसलिए अहम तरीन मकामात आपके दिल और दिमाग के हवाले करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि मंजिल करीब हो जाए। देखिए हम इस मंजिल पर हैं, हम इस मंजिल पर हैं कि अक्ल मुहीत है कायनात, अक्ल से वाबस्तगी रूह कायनात से वाबस्तगी, अकल से वाबस्तगी रूह कायनात से वाबस्तगी है। अकल इंसान को कहां कहां ले जाती है, अकल इंसान को कहां कहां ले जाती है। मैं इस सिलसिले में जहमत को कम करते हुए मैं एक अजीब मंजिल पर आपको ले जाता हूं, मगर एक दावे के साथ। मैं इकबाल के दो शेर पढ़ना चाहता हूं, दो शेर, और फिर वो शेर के जिसको इकबाल के बेहतरीन रिसर्च स्कॉलर्स भी शायद उसके पूरे मजमूए कलाम में से न निकाल सके। महफूज कीजिए, जहमतें आप ही के लिए उठाई जा रही हैं। भला ए गुल कभी इस रमज को भी तूने समझा है, भला ऐ गुल कभी इस रमज को भी तूने समझा है, तेरी शबनम फरेबी क्यों बहारे बोस्ता तक है, भला ऐ गुल कभी इस रमज सिंबॉलिज्म कभी इस रमज को भी तूने समझा है, तेरी शबनम फरेबी क्यों बहारे पोस्ता तक है। यह है इकबाल फैज़े विर्दे नामे मुर्तजा जिससे, यह है इकबाल फैज़े विर्दे नामे मुर्तजा जिससे, निगाह फिक्र में खिलवत सराए लामका तक है, निगाह फिक्र में खिलवत सराए लामका तक है। यानी जिस नाम का इकबाल विर्द करते हैं, यह है इकबाल फैज़े विर्दे नामे मुर्तजा जिससे, फिक्र की निगाह खिलवत सराए लामका तक जा रही है। आपने देखा अकल के दामन से वाबस्तगी का यह अंजाम होता है कि अकल मुहीत हो जाती है कायनात। इसके बाद दूसरा शेर आपने सुन लिया, पहला शेर जरा बलीग था, एक मर्तबा दूसरे शेर के बाद फिर पहले शेर को महफूज कर लीजिए। भला है गुल क-
कभी इस रमज को भी तूने समझा है, तेरी शबनम फरेबी क्यों बहारे बोस्ता तक है, ये तारीख इस्लाम फुतूहात तक क्यों महदूद रहे, ये मादी निगाह सिर्फ जोग्राफी हुदूद पे क्यों रुके, ये मादी निगाह सिर्फ बैतुल माल पे क्यों नजरे जमाए रखे, ये मादी निगाह फकत शाहों के किदम हशम को कब तक तकती रहे, ये मादी निगाह फकत आले साफानों आले सामानों सफारियों सलजूकियों मुगलिया ताजदारों को कब तक इस्लाम के ताबिंदा सितारे बतलाती रहे, तो अब इसके बाद फिर भलाए गुल कभी इस रमज को भी तूने समझा है, तेरी शबनम फरेबी क्यों बहारे पोस्ता तक है, जहां तक बहार जाए बस वहीं तक गुल, यह इकबाल फैज विर्द नामे मुर्तजा जिससे निगाह फिक्र में खलवत सराए लामका वहां तक फिक्र जाती है, अगर किसी और का नाम फिक्र को वहां तक ले जाता तो इकबाल उसी का विर्द करते, इकबाल उसी का विर्द करते, मगर इकबाल जानते हैं कि दीन को वासिफ कहा, दीन को खालिस कहा, दीन के लिए कहा कि यह दीन हक है, यह दीन खुदा है और यह दीन कय्यम है, तो इसी दीन के लिए कहा कि यह दीन मुस्तफा भी है, यह दीन मुर्तजा भी है, दीन मुर्तजा में मुर्तजा चाहिए ताकि इंसान लामका तक जा सके, अंदाजा किया कि मुफक्किरीन की निगाह भी इस मंजिल पर है कि हमारे पास दीन का तसव्वुर मादी होकर रह गया, मादी होकर रह गया, और जब कभी बात आई आज भी दीन में तो कहा पहले क्या थे अब क्या है, कहां कहां तक पहुंचे थे, कहां कहां से वापसी हुई, यानी अब भी उसी मंजिल पर गुफ्तगू है, अब भी उसी मंजिल पर गुफ्तगू है कि जहां गिनते हैं तोलते नहीं, उसी मंजिल पर गुफ्तगू है कि कहां कहां से आए, ईमान की कदरों पर बहस नहीं, अक्ल की राहों पर गुफ्तगू नहीं, बस यही कि वो दौलत गई, वो सल्तनत गई, वो मकाम गया, वो एतबार गया, वो परचम गए, ये सारी बातों को अक्ल ज्यादा कोई अहमियत नहीं देती, अक्ल के नजदीक अगर अहमियत है तो यह है कि इरफान कहां तक है, इल्म कहां तक है, जहद कहां तक है, कौम में हया कहां तक है, कौम में मकरमत कहां तक है, सिद्क़ और यकीन की दौलतों का क्या हाल है, अक्ल को जितनी दौलतें दी गई थी आज वो दौलतें किन मकामात पर हैं, आज ये देरे बहस है, वरना वरना इसी अकल की कमियाबी बल्कि नायाबी की वजह से, अकल की कमियाबी बल्कि नायाबी की वजह से एक दीन के कई हिस्से हो गए, कई हिस्सों में दीन बट गया, अगर अकल उसी आलम पर आगे बढ़ती और उसी अकल से अगर वापस्तगी होती तो शायद ये बात न होती, लेकिन खुद आप सोचें मकाम ताकुल पर कि सही तौर पर अगर अकल से काम लिया जाता, और जबकि किताब इलाही मौजूद हो, किताब इलाही मौजूद हो, मगर हुआ क्या, हुआ ये कि अकल के लिए नफ्स है इल्म, अकल के लिए नफ्स है इल्म, अभी मंजिल पर आते हैं, तो उस इल्म को छोड़कर, उस इल्म को छोड़कर इंसान ने नई राहें अख्तियार की, नई राहें अख्तियार की, और सही माना में इल्म हक से हट गए, कहा गया कि एक की जगह 72 फिरके हो गए,
एक की जगह 72 फिरके हो गए। अजीजों बात में बात आई, बहुत से बच्चे बड़े हो गए। 7 बरस का वक्त बहुत काफी तवील वक्त होता है। कम सिनी में कुछ आपने सुना होगा मुझसे, अब अपनी भरपूर जवानी में सुन लीजिए। जिन जवानों ने सुना था वो अपने हाफिजे को ताजा करें। इसी रजविया कॉलोनी के इमाम बारगाह में मैंने एक अजीब वाकये की तरफ इशारा किया था। आज दिल चाहता है कि उस वाकये को फिर दोहरा दूं ताकि आपका हाफिजा साथ दे। जाफर इब्ने नुम्मा हमारी 6वीं सदी के मशहूर आलिम गुजरे हैं, बयान करते हैं कि शबे जुमा अपने आमाल के बाद मैं एक ऐसी कैफियत में था कि जहां कुछ ख्वाब कुछ बेदारी का आलम था कि मैंने हल्लाल मुश्किलात मौलाए कायनात को मेरे सामने देखा। फरमाते हैं जाफर सुबह को दजले से एक काफिला गुजरने वाला है और उसमें मुसलमानों का एक बहुत बड़ा आलिम वारिद हो रहा है। अपने किसी देहात से वो आजिम हज है, उससे एक सवाल करना। सवाल की तालीम दे दी, सवाल बतला दिया। जाफर बयान करते हैं कि सवाल पे जब मैंने गौर किया मुझे यकीन हो गया कि सिवा मासूम के या कोई आदमी सवाल ऐसा नहीं कर सकता है। मैं मुतमईन होकर चला। नमाज सुबह के बाद मैंने देखा कि दजले से उसी शान से काफिला आ रहा है। कश्तियों से मुसाफिर उतरे, मैंने देखा कि आगे आगे एक मशहूर आलिम के जिसकी पेशानी पर उसकी इबादत के निशान हैं वो सामने था। मैंने सलाम किया, उसने तवाज़ो से सलाम करके कहा तू भी आलिम है? मैंने कहा मैं तालिबे इल्म हूँ और एक सवाल लेकर आया हूँ। का क्या सवाल है? का बादे नबी क्या इस्लाम अपनी असली हालत पर बाकी है? उसने कहा नहीं। का फिर क्या हुआ? का 72 फिरके हो गए। जाफर ने कहा 72 फिरके हो गए तो अय्युहल आलिम मैं सिर्फ इतना पूछने के लिए आया हूँ कि आले मोहम्मद किस फिरके में है? बहुत अजीब सी बात है। जाफर इब्ने नुम्मा को यह सवाल नहीं सिखलाया गया, सारे दोस्तों को बतलाया गया। उसने जाफर की सूरत देखी और का सवाल तूने किया है? का क्यों अय्युहल आलिम? का मुझे शक है कि यह सवाल और तेरा दिमाग नामुमकिन है। यह सवाल जिस बुलंदी से आ रहा है खुद सवाल पता दे रहा है और ये कह के कहा अय्युहल आलिम तूने सही माना में वक्त पर हिदायत कर दी। तो अब भी मिल्लत मुस्लिमा उसी अंदाज से सोचे कि इस्लाम तो इतने फिरकों में बट गया है मगर जिस फिरके में भी जो कोई आदमी हो वो क्या अपने साथ आले मोहम्मद को शरीक समझ रहा है? बहुत गौर से सुनिए, जिस किसी फिरके में जो आदमी है वो अपने साथ आले मोहम्मद को शरीक समझ रहा है, अगर आले मोहम्मद को शरीक समझ रहा है तो रसूल के साथ आल पर दुरूद क्यों नहीं बैठता? पहचान बतलाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के गुजरते हैं। और अगर ये कहा जाए कि क्या आप ही के साथ हैं तो ये कहा जाएगा कि हाँ आले मोहम्मद हमारे साथ है। सादिक आले मोहम्मद ने एक मंजिल पर चार फरमाया कि याद रखो, हमेशा इस बात का ख्याल रखो, दुनिया आले मोहम्मद से दुश्मनी का जाहिर बजाहिर इजहार न कर सकेगी।
आले मोहम्मद से दुश्मनी का इजहार कर न सकेगी दुनिया, इसलिए कि दिल पुकार के कहेगा कि इनसे दुश्मनी करके नाना का कलेमा नहीं पढ़ा जा सकता। जाहिर बजाहिर दुश्मनी नहीं हो सकेगी, तो अब ऐसे मौके पे जिदों से कोई फायदा नहीं, पुरानी असबियतों से कोई फायदा नहीं, जहालत के दामन से वाबस्तगी कुछ आज ज्यादा उमैद अफजा नहीं। इस वक्त तो आगे बढ़ने की जरूरत है, नफ्स इल्म है तो उसी मंजिल पर चलो जहां अक्ल और इल्म एक जगह नजर आ, जहां अकल और इल्म एक जगह नजर आए, जहां शख्स और नफ्स एक जगह नजर आए। अकल के लिए नफ्स इल्म है, अकल के लिए नफ्स इल्म है, और यही वो मंजिल है कि जहां इल्म की वजह से कायनात में अल्लाह की बंदगी रूशनास होती है। हजरत यूसुफ बहुत कम सिन है जब बाप से जुदा किए गए, हजरत यूसुफ कम सिन है जब जिंदान में डाल दिए गए, मगर यूसुफ अल्लाह के वो बंदे हैं कि जहां इरशाद हुआ यज तभी का अल्लाह ने तुझे मुजतबा किया, वो युअल्लिमो का मिन तावील अहादीस, और तुझे अल्लाह ने इल्म दिया तावील हदीस का, तावील का इल्म दिया, वर्रासिकून फिल इल्म की मंजिलें याद रखिए कि अल्लाह ने तुझे मुजतबा किया, तुझे तावील का इल्म दिया कि तू तावील बयान किया कर। और आप सूरह यूसुफ से खूब वाकिफ हैं, मुसलसल तिलावत करते हैं, वो दखला माहु सिजना फतयान, और कैद खाने में यूसुफ के साथ दो और जवान दाखिल हुए, और एक ने कहा कि अरे यूसुफ मैंने ये देखा, इन्नी अरानी आसिरो खमरा, मैंने ख्वाब में ये देखा कि मैं अंगूर को निचोड़ रहा हूं, और दूसरे ने कहा कि मैंने ख्वाब में ये देखा है कि गोया रोटी मेरे सर पे रखी हुई है, वो ताकुलु तैर मिन हो, और उससे परिंदे खा रहे हैं। तो बेख्तियार यूसुफ ने जवाब दिया कि या साहेब सिजने, ऐ मेरे दोनों साथियों, ऐ जिंदान के दोनों साथियों, या साहेब सिजने, أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار, क्या मुख्तलिफ खुदा अच्छे मालूम होते हैं या एक वाहिद कहार अच्छा मालूम होता है। नबुव्वत का इस्तदलाल है, अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अम अल्लाहुल वाहिदुल कहार, किस किस के आस्ताने पर सर झुकाओगे, किस किस के चौखट पर पेशानियों को रगड़ोगे, किस किस के बनकर रहोगे, एक के हो रहना ज्यादा अक्ल के करीब है, एक के हो रहना ज्यादा इल्म से नजदीक है। अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अम अल्लाहुल वाहिदुल कहार, और फिर इरशाद फरमाया कि सुनो, उसने हुक्म दिया है कि ला ताबुदू इल्ला इया, कि उसके सिवा किसी की इबादत न की जाए, उसके सिवा किसी को आवाज न दी जाए, मैं उस इल्म को रखता हूं जिसकी तुमको तलब है। तो सुनो, या साहेब इस्सिजने अम्मा अहदुकुम फयस्की रब्बहू खमरा, तुम में से एक तो अपने मालिक का साकी बनेगा, वो अम्मर अम्मल आकरू फयुसलब, और दूसरे को सूली दी जाएगी, ताकुलु तैर मिन रासे, और उसके दिमाग से परिंदे उसके मग को खाएंगे। खुदे अल अम्रुल लजी फी है तस्तफ्तियान, जिसमें पूछ रहे थे उसका यूसुफ ने जवाब दिया, बाहर आए वही हुआ, ये इल्म यूसुफ है, इल्म यूसुफ है कि जिसके लिए कह दिया कि दरबार में जाएगा वो दरबार में गया, जिसके लिए कह दिया कि इसको सूली दी जाएगी और इसके दिमाग से परिंदे खाएंगे, वही हुक्म हुआ, खुज़े अल अम्रुल लज़ी
की है तफ्तियान, अल्लाह ने भी वही फैसला सुना दिया। तो उसके माना ये थे कि इल्म यूसुफ कज़ाओ कदर इलाही से इतना करीब था, इतना करीब था कि मुस्तकबल की खबर दे रहा था। कोई यूसुफ से ये नहीं कह सकता कि क्या यूसुफ को गायब का इल्म था, क्या यूसुफ गायब को जानते थे, क्या यूसुफ इतने दूर की बातें इस तरह से अपनी तरफ से मंसूब करके कहते थे। कुरान तुमको इजाजत नहीं देता कि यूसुफ के मुतालिक को ये तराज करो। अगर यूसुफ ने कह दिया जो कह दिया वही हुआ। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? ये मकाम इल्म है। जो कह दिया वही हुआ। यूसुफ को इल्म दिया, यूसुफ को इल्म दिया। लकद आतैना लुक्मान अल-हिक्मा, हमने लुक्मान को भी हिकमत से सरफराज किया। लकद आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, हमने दाऊद को भी इल्म दिया, सुलेमान को भी इल्म दिया। लकद इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, हमने सारे अंबिया को जो चुना है वो इल्म की वजह से चुना है, उनको इल्म की दौलत दी, उसके बाद उनको नबुव्वत के लिए अख्तियार किया। तो नबुव्वत मकाम इल्म है, नबुव्वत मकाम इल्म है। तो नबुव्वत के साथ अगर नफ्स नबुव्वत आगे बढ़े तो उसके लिए भी इल्म लाजिम है, और नबुव्वत की सतह से अगर विलायत आगे बढ़े तो उसके लिए भी इल्म की जरूरत है। बगैर इल्म न नबुव्वत है न विलायत है। अगर ये सारे मसाइल जहन में आ गए तो आइए आज की मंजिल अपने उस मकाम पर पहुंच जाए जहां से आपके लिए कल की राहें निकल आए। लकद आतैना औल इब्राहीम अल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, हमने आले इब्राहीम को किताब दी, हिकमत दी, मुल्क अजीम उनके हवाले किया है। वो मुल्क नहीं जो जोग्राफी हुदूद में आए, वो मुल्क नहीं कि जिसके लिए आप खजानों लश्करों और अस्करों को देखें, वो मुल्क जो किताब व हिकमत के साथ अता किया जाता है, और उस मुल्क को मुल्क अजीम कहा जाता है। आले इब्राहीम में मोहम्मद है, इसलिए मोहम्मद आले इब्राहीम है, और आले मोहम्मद आले इब्राहीम में है इसलिए कि मोहम्मद की औलाद है। इनको किताब अता की, हिकमत अता की, मुल्क अजीम इनके हवाले किया। अब इनके पास मदीना रहे न रहे, कूफा रहे न रहे, दुनियावी हुकूमतें रहे न रहे, मगर मुल्क अजीम फकत आले इब्राहीम के लिए है। वो मुल्क अजीम जिसको कयामत तक के लिए रहना है, ये उस मुल्क अजीम की निशानियां हैं। ये जो इज्तिमाआत आपको नजर आ रहे हैं ये उस मुल्क अजीम के आलाम है जो आप अपने को इस मकाम पर पा रहे हैं। ये किसी और मुल्क की रौनक नहीं है, ये कयामत तक मुल्क अजीम की रौनक है जो बाकी रहेगी। और ये दुरूद और ये नारे बराबर उस मुल्क अजीम की सदाकत को साबित करते रहेंगे जिसको कयामत तक जाना है। समझता हूं कि मेरे इस जुमले तक आपने पहुंचने की कोशिश की। आले इब्राहिम को हमने किताब दी, हिकमत दी, मुल्क अजीम दी, दौलत दुनिया की गुफ्तगु नहीं है, जोग्राफी ममलिकत की गुफ्तगु नहीं है, मुल्क अजीम दिया है किताब व हिकमत के बाद। किताब व हिकमत इल्म के दो पहलू हैं, किताब व हिकमत इल्म के दो पहलू हैं। किताब वो जहां से वही आए, हिकमत वो जहां साहेब वही का तजर्बा आगे बढ़ जाए, जहां साहेब वही मुअम्मल इंसानियत में अपने दस्तूर को पेश करे और बतलाए कि तुम्हारे लिए यह मुनासिब है यह नामुनासिब है। सादिक आले मोहम्मद से किसी ने पूछा, सुलेमान को तो बड़ा मुल्क दिया गया, सुलेमान को तो बड़ा मुल्क दिया गया, रब्बी हबली मुल्का ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, परवरदिगार मुझे वो मुल्क अता कर जो मेरे गैर को सदावार न हो। इरशाद फरमाया, सुलेमान को क्या मुल्क मिला? जो मुल्क मेरे जद मोहम्मद मुस्तफा को। घबरा के कहा, कुरान में तो उसका जिक्र नहीं है। इरशाद फरमाया, तूने कुरान नहीं पढ़ा,
कि मेरे जद को कितना बड़ा मुल्क मिला है। का फरदंद रसूल नजर नहीं है, तवज्जो नहीं है। इरशाद फरमाया सूरह हश्र की एक आयत याद रख, कितना बड़ा मुल्क मिला है कयामत तक के लिए। वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहू वमा नहाकुम अनहु फंतहू, जो रसूल लाए ले लो, जिससे रसूल रोके रुक जाओ। ये मासूम की तशरीह है। देखिए साहिबान इल्म यूं तशरीह करते हैं, इल्म ये है कि जो लाए वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। फरमाया ये मुल्क मिला है मेरे जद को जो अव्वलीन और आखरीन को नहीं मिला, जो अव्वलीन और आखरीन को नहीं मिला। इतनी बड़ी दौलत जिसके पास हो, इतनी बड़ी दौलत जिसके पास हो, फिर से मीरी और खिलाफत का ही कुनत मौलाना रूम, इतनी बड़ी हुकूमत जिसके पास हो उसको मीरी की क्या परवाह, खिलाफत की क्या हिर्स है, वो इन चीजों से दूर है। अरे मामूली सी बात है, वो नहीं चाहता, नहीं चाहता कि ये खुद साख्ता ममलिकतें उसके पांव को बोसा दे। वो ये खुद साख्तगी से हैरान है, बुलंद है। वो ये नहीं चाहता कि नुसैरी का खुदा बने तो क्यों किसी का हाकिम बने। गुफ्तगू इस मंजिल पाई एक दावत फिक्र थी, वो अपनी मंजिल को जानता है। आइए गुफ्तगू यहां तक पहुंच चुकी तो एक बात याद रखिए, वो ये कि सबसे बड़ा इल्म, सबसे बड़ी मोहब्बत सेल्फ रियलाइजेशन है। सेल्फ रियलाइजेशन, एहसास ज़ात, शऊर ज़ात, इल्म ज़ात, अपने को पहचानो। सबसे बड़ा इल्म और सबसे अहम मोहब्बत सेल्फ रियलाइजेशन। ये कायनात हुब्बे ज़ात का नतीजा है। ज़ात वाजिब ने जब खुद अपनी कुदरत मुतलका का मुजाहरा किया कमाल मोहब्बत से, तो यह कायनात थी। यह फलसफा है, तकलीक आलम है, शऊर ज़ात और कायनात। बिल्कुल उसी तरह वो बंदे जो कमाल अक्ल पर फाइज, जब उनको शऊर ज़ात होता, जब वो सेल्फ को अपने रियलाइज करते हैं कि मेरा क्या मकाम है, तो फिर उस बुलंद मकाम से जिन जिन पस्तियों पर नजर पड़ती है, जिन जिन पस्तियों पर नजर पड़ती है, वो उससे एहतराज करते हैं, उन पस्तियों में जाना नहीं चाहते, उन पस्तियों में जाना नहीं चाहते। आपने इरशाद फरमाया कि लौला अखज अल्लाह अलल उलमा अल्लाह युकारु अला किस्सत ज़ालिमिन वला सगब मज़लूम लअल्क़ैतु हबलहा अला ग़ारिबिहा। ये आज जो मुझको खिलाफत की मंजिल पर देख रहे हो, अगर कयामत के दिन खुदा ये सवाल करने वाला न होता कि जब हमने तुमको मौका दिया था तो मजलूम की तुमने मदद क्यों नहीं की, तो मैं इस सवाल से खाइफ होकर मैंने इसको आज कबूल किया है, वरना इस नाके पर इसकी मिहार को ढाल के उसी तरफ हाँक देता जहां से यह नाका आया था। आपने देखा यहां मुल्क और माल की तरफ तवज्जो नहीं है, यह मकाम इल्म है। यह मकाम इल्म बहस कहां तक पहुंच गई, इसके एक एक लफ्ज से आपको कल काम लेना पड़ेगा। मेरी आखिरी तकरीर में एक एक लफ्ज से काम लेना पड़ेगा। अजीब बात यह होती है कि मैं एक दिन उसूल पेश करते जा रहा हूं और एक दिन चाहता हूं कि आप उसका इंतबाह करें, उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, तो नजर उस मकाम बुलंद पर सिर्फ यह है कि मेरा एहसास ज़ात क्या है, मेरा शऊर ज़ात क्या है, मैं कौन है। अगर अली ने अपने आप को नफ्स अक्ल पाया, अगर अली ने अपने आप को नफ्स अक्ल पाया तो हक है उनको सलूनी का।
बहुत गौर से सुनिए, अगर ये रियलाइज किया कि मैं नफ्स से अकल हूं और है, कल गुफ्तगू हो चुकी ना अनफुसाना, तो नफ्स से अकल है और रसूल अकल अव्वल है, अव्वल मा खलक अल्लाह अकल अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी। तो अली ने अगर ये रियलाइज किया कि मैं नफ्स से अकल हूं और इल्म तो सलूनी, और अगर ये रियलाइज किया कि इल्म मेरे सिवा और कहीं नहीं, तो अली को हक है ये पूछने का, ऐन अल्लज़ीना ज़ामू अन्नहुम अर्रासिखून फिल इल्म दूनना, कहां है वो लोग जो अपने आप को रासिखून फिल इल्म कह रहे हैं हमारे अलावा। मैं तवज्जो चाहता हूं, सलूनी भी एक आवाज है, सलूनी भी एक चैलेंज है, सलूनी भी एक मुबारजा तलबी है, बहराव कोई आवाज लगा सके तो आवाज लगाए, और यह भी एक मुबारजा तलबी है। अल्लज़ीन ज़अमू, कहां है वो लोग, कहां है वो लोग जो ये गुमान कर रहे हैं, अन्नहुम रासिखून फिल इल्म दूनना, कि हमारे सिवा वो भी इल्म में रासिख है, कज़बन वो बगयन अलैना, वो झूठ बकते हैं, हमसे बगावत कर रहे हैं, कज़बन वो बगयन अलैना, वो झूठ बकते हैं। रासिख फिल इल्म होना आसान नहीं है, वो बगयन अलैना, वो हमारी बगावत में कह रहे हैं। आपने देखा इल्म से बगावत करके फिर रासिख फिल इल्म, मासूम के इरशादात हैं, ऐन अल्लज़ीन ज़अमू अन्नहुम अर्रासिखून फिल इल्म दूनना कज़बन व बगयन अलैना, हमसे दुश्मनी है, हमसे बगावत है, और वो जानते हैं, वो जानते हैं कि अन रफ़ान अल्लाह व वज़ाहुम व अदख़लन अल्लाह व अख़रजहुम व आतान अल्लाह व हरमहुम, उनको मालूम है जो हमारे सिवा दावा करते हैं रुसूख इल्म का, कि अल्लाह ने हमको बुलंदी दी तो उनको पस्त कर दिया, अल्लाह ने हमको आने का हुक्म दिया तो उनको बाहर जाने की हुक्म दिया, अल्लाह ने हमको अता किया तो वही चीज को उन पे हराम करार दिया। इसलिए यह बगावत है, यह दुश्मनी है, इस बगावत और दुश्मनी के साथ वो कहते हैं कि हम भी रासिखून फिल इल्म है। यह अजीब मुबारजत तलबी है, ऐन अल्लज़ीन ज़अमू अन्नहुम अर्रासिखून फिल इल्म दूनना कज़बन व बगयन अलैना अन रफ़अन अल्लाह व वज़ाहुम व अदख़लन अल्लाह व अख़रजहुम व आतान अल्लाह व हरमहुम, यह हमारा मकाम है। और इसके बाद आपने कहा तुम मुझे पहचानते हो फ़क़ुमतु बिल अम्र हीना फ़सलू, मैं हमेशा हुक्म रसूल पर खड़ा हो जाता था जबकि इनकी गर्दनें झुक जाती थी। फ़क़ुम तो बिल अम्र हीना फ़शलू, मैं क़याम करता था और इनकी गर्दनें झुक जाती थी, वो न तख्तू ही न ताताऊ, और मैं बोलता था जब इनकी जबानों में लुकनत थी। वो न तख्तू ही न ताताऊ वो तल्ला तो ही न तकब्बू, और मैं अपने कनाल पर ताले होता था जब ये डूब जाते थे। देखिए क्या तारुफ है, मेरी गुफ्तगू याद है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, क्या अली पहचान रहे हैं अपने को। फ़क़ुम तो बिल अम्र हीना फ़शलू व नतख़्तु हीना तातऊ व ततल्लातु हीना तकब्बऊ व मज़ईतु बि अम्र रसूले,
हीन वकफू, और हुक्म को लेके मैं आगे बढ़ जाता था और ये अपनी मंजिल से सरकते तक नहीं थे। जिस मकाम पे बैठते थे वहीं वक्फ करते थे, और मैं हुक्म रसूल को लेके चले जाता था। ये अली की पूरी जिंदगी है। आपने देखा, एक मरतबा याद रखेंगे आप, फकुम तो बिल अम्र ही न फशल, वो नतक्तु ही न तातु, वो ततल्लातु ही न तखबतु, वो मज़ाइतु बि अम्र रसूलिही ही न वक़फु, वो रुकते थे मैं आगे बढ़ जाता। उनके चराग टिमटिमाते थे जब मैं तुलू करता था, जबानों में लुकनत आ जाती थी जब मैं बोलता था, जब मैं क़याम करता था तो इनकी गर्दनें झुक जाती थी। अल्लज़ीन ज़अमू अन्नहुम रासिखून फिल, अब भी दावा है उनको रासिखून फिल इल्म होने का। ये अना है, अना है, ईगो है, नहीं नहीं, ये खुद शनासी है, ये खुद शनासी है। जिस खुद शनासी ने बतलाया कि इससे बढ़कर कोई खुदा शनास नहीं, इस खुद शनासी ने बतलाया, जो अपने मकाम को ना पहचाने, जो अपनी खुदी को ना पहचाने, उसके लिए दुनिया में जगह क्या है। इल्म नफ्से अक्ल है, अली नफ्से रसूल है, मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। अपनी जात का अंदाजा करके अपने माबूद पे जब गुफ्तगू की तो दुनिया की आंखें खुल गई, दुनिया की आंखें खुल गई, और कहा कि मैं खिलवत सराय लामका तक हूं, मैं खिलवत सराय लामका तक हूं, मुझे तुम मदीने और कूफे में महदूद न करना, मुझे तुम फौजों की हद तक महदूद न करना, मैं खिलवत सराय लामका तक हूं, फकत मैं नहीं जो मेरे नाम का विर्द करे। इकबाल ने यह नहीं कहा कि रातों को इतना मैंने हक हक किया है, यह नहीं कहा कि मैं हूं और हक के नारे रात को लगाता हूं, नहीं, यह अकबाल फैज़े विर्दे नामे मुर्तज़ा, जिसने निगाहे फिक्र में खलवत सराए लमका तक है, वहां तक जा सकता है इंसान अगर अक्ल से करीब हो जाए, इसलिए कि अक्ल अव्वल है अक्ल आखिर है, अक्ल अव्वल है अक्ल आखिर है। कौसे नुज़ूल जब शुरू हो रहा था तो अक्ल पहले है, अक्ल पहले है, बार बार गुफ्तगू हो चुकी मगर इफ़हाम तफ़हीम में मजबूर हूं। अक्ल, अक्ल अव्वल, नूर अव्वल, सुबह अव्वल, नुक्ते अव्वल, साहेब लौला, अक्ल अव्वल पहली खिलकत, फिर उकूल, फिर नफूस, मुजर्रदात, मुरक्कबात, तबाए मादा, फिर जमादात, नबातात, हैवान, इंसान, मुसलमान, मोमिन, मुत्तकी, वली, नबी, उलुल आज़म, फिर अक्ले अव्वल। नुज़ूल व कौसे सुऊद, अक्ल से अक्ल तक, अक्ल से अक्ल तक। तो ऐसी मंजिल पर अब दीदा और दानिस्ता कोई इनसे अगर दामन बचाए तो सिवा जहल के और क्या है। मजबूर है, मजबूर है, बहरहाल इनके नाम से मजबूर है कि रहें। मैंने तकरीर खत्म की और मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है कि अपने आखिरी तकरीरों में मैं अपने वक्त का कैदी न रह सका, और मुझे
ظاہر ہے کہ آپ کے التفات سے آپ کے توجہ سے یہ توقع ہے کہ آپ میرے اس عذر کو قبول فرمائیں گے. مجبور ہے دنیا, مجبور ہے دنیا کہ برائے نام سے ہی بالا بالا سے ہی تاریخ میں صحیح ماضی کے ذکر کے طور پہ صحیح رسم صحیح ارادت صحیح سلسلہ رشد و ارشاد صحیح بے راہ پیری و مریدی صحیح مجبور ہے دنیا علی کا نام رہے. ایک بات عرض کروں اور یہ میرے ان سارے افکار کے لیے آج ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے, ایک ٹرننگ پوائنٹ, اور وہ یہ ہے کہ کتنی مجبور تھی دنیا رسمن عادتن تاریخن کسی صورت سے ہو اس نام سے قریب ہونے پر کتنی مجبور تھی دنیا, اس کا اندازہ آپ نے کیا کبھی؟ یا میں اندازہ کرواؤں, کوئی اور انسان ہوتا اور اس کے ہاتھ سے جمل میں اگر اتنے مارے جاتے. یہ تقریر کا ٹرننگ پوائنٹ ہے, زندگی بھر یاد رکھیں آپ. کوئی اور انسان ہوتا اور اس کے ہاتھ سے صفین میں اتنے مارے جاتے, اور کون, یہودی نہیں, مجوسی نہیں, نصرانی نہیں, کلمہ گو. اور کوئی اور انسان ہوتا جو نہروان کی لڑائی میں 9000 میں سے فقط 9 کو زندہ چھوڑتا اور 8991 کو تہ تہ کرتا, پھر بھی اس کو کوئی جگہ ملتی خلافت میں. میں کیا کہہ رہا ہوں, دنیا کیا حشر کرتا؟ مگر جمل میں اتنے مارے جائیں, صفین میں اتنے تہ تہ آئے, نمازیں ہو اور نمازیں پڑھنے والوں کو قتل کر کے رکھ دے, اور نہروان میں سجدوں کے نشانوں کی پرواہ نہ کرے, اور پھر بھی کرم اللہ وجہ. مجبوری ہے, اب یہ تو صاف ہے, یہ تو صاف ہے کہ ہے کسی سلسلے میں اس کا نام, اور کچھ بلند ہے, سلسلے سے بلند ہے, فقط مرضی مولا پہ نہیں رکھا اس کو بلکہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ نے اس کے چہرے کو مکرم کیا ہے, فقط دعا پہ نہیں رکھا اس کو. دعا پہ نہیں لگا کہ اللہ نے اس کے چہرے کو مکرم کر دیا, ماضی کا سوا اور اس تاریخ کے بعد تو کوئی مجبوری ہوگی نا. اب بتاؤ وہ مجبوری کیا تھی, وہ مجبوری کیا تھی؟ سوچو, بہت سوچو, سوچنے کا موقع دو. میں بھی سوچتا ہوں اس لیے کہ باتیں وقت واحد میں سب کی سب کچھ اچھی نہیں معلوم ہوتی. جب درسگاہ ٹھہری تو کچھ آپ سوچیں, اور اگر آپ نہ سمجھ سکے تو دوستوں سے پوچھیں, دوستوں سے پوچھیں. یہ تاریخ ہے نا, یہ تاریخ ہے. کوئی اور انسان ہوتا تو اس کا مقام تاریخ میں کیا ہوتا؟ تاریخ
میں کیا ہوتا, یعنی یعنی احکام تاویل کو پیش کرنے والا منوا گیا. وجوہات نہیں دے رہا ہوں میں آپ, صرف راہ معین کر رہا ہوں سوچنے کی. منوا گیا کہ اس انداز سے غور کر کہ تاویل میرے پاس, راسخ فی العلم میں ہوں, جہاں تلوار کھینچتا ہوں حق ہے تلوار کھینچنا, جہاں تلوار روک لیتا ہوں حق ہے تلوار روک لینا. اس لیے جو انسان یہ نہیں پوچھ سکتا کہ جمل میں, صفین میں, نیروان میں آپ نے تلوار کیوں کھینچی تھی, وہ انسان کیوں پوچھتا ہے کہ آپ نے بعد رسول تلوار کیوں نہیں کھینچی. گفتگو ختم کی. یہ ملک عظیم ہے, یہ ملک عظیم ہے, یہاں کے قوانین اور ہیں, یہاں کے قوانین اور ہیں. ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ میں نے اولین و آخرین میں کہیں یہ نہیں دیکھا. یوسف نے کہہ دیا تھا کہ ایک کو سولی دی جائے گی اور ایک کو ساقی بنایا جائے گا. دو آدمیوں کے لیے حکم تھا, یا 9000 کے متعلق حکم ہے. ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بڑھ کر کسی کو علم میں پختہ تر نہیں پایا کہ جب لوگوں نے کہا یا علی یہ موج مارتا ہوا سمندر کفار کا اور مقابل کے لشکر کا آ رہا ہے, فرمایا اس سمندر کی پرواہ نہ کرنا, کل 9 بچنے والے ہیں. نہ بچنے والے ہیں تو ظاہر ہے بچے یا نہ بچے, میں تو اسی سوال پہ ہوں, اسی سوال پہ ہوں کہ اتنے آئے تہتے پھر بھی کرم اللہ ہو بچنے. کیا مجبوری ہے؟ بات یہ ہے کہ دین ان کا ہے, آئین ان کا ہے, اسلام ان کا ہے, جس منزل پہ چاہیں دھارے کو موڑ. نفس عقل ہے, مقام علم پر فائز ہے. کیا ملوکیت اور کیا ملوکیت کا خوف, ان کی منزل بلند ہے, صاحب ملک عظیم ہے. اللہ اللہ, اس ملک عظیم کے بعد کس کی مجال, کس کی مجال ہے جو ان کے کسی قول و فعل میں گیرائی کرے, جو کسی منزل پر نقطہ چینی کی کوشش کرے. یہ مقام بلند ہے, یہ دنیا مادی دنیا, بیت المال تک محدود دنیا, فتوحات میں محصور دنیا. یہ دنیا تو فقط یہی دیکھ رہی ہے کہ شام کیا ہے, شام کے حدود کیا ہیں, شام کا پائے تخت کیا ہے, دار الخلافے کا کیا حال ہے, کتنا لشکر ہے, فتوحات کیسے ہیں. اللہ, مگر صاحب ملک عظیم نے وہاں بھی ایک تماچا مارا ہے, صاحب ملک عظیم نے وہاں بھی ایک ٹھوکر لگائی ہے, اور رہتی دنیا تک تاریخ سے اپیل کی ہے, رہتی دنیا تک تاریخ سے اپیل کی ہے کہ جس ملک پر اور جس حکومت پہ ناز ہے, اس ملک اور حکومت کو تاریخ میں لا کر کسی منزل پر رکھو, اور یہ دیکھو کہ اس سے پہلے جتنی حکومتیں آئی تھیں, اگرچہ وہ سب کے سب انبیاء کے دشمن تھیں, اگرچہ نمرود ابراہیم کا دشمن تھا, اگرچہ فرعون موسیٰ کا دشمن تھا, اگرچہ بخت نصر زکریہ کا دشمن تھا, یحییٰ کا دشمن تھا, مگر کسی کی نبی کی اولاد بھی دربار میں آئی ہے, کسی نبی کی نواسیوں کو بھی دربار میں لایا گیا ہے. تاریخ اسلام کے اس خون چکاں ورق کو سامنے لا کر اس صاحب ملک عظیم نے ایک اور چیلنج دے دیا کہ رہتی دنیا تک اب ملت فیصلہ کرے. عزیزان گرامی, میں کیا کروں, میں کیا کروں, میرے پاس وقت نہیں, اور صرف کل ایک تقریر. اس لیے اب چونکہ آ چکا, تمہید آ چکی, میں درست کر چکا اپنی تمہید کو, پھر عرض کروں نہیں, کچھ رخ بدل کے. اب بھی کوئی آل محمد کے دامن سے لپٹنا چاہتا ہے تو آئے, وقت نہیں گیا.
यही सोच के आए कि ज़ैनब दरबार में आई। मैंने बेख्तियार कह दिया ना, मगर बहुत सोच के कह रहा हूं। किसी साथी का हाथ पकड़ लो और कहो तारीख के सफहात को उल्टे। अगर किसी ने इनकार किया है तो हक के तकरीर हाथ से फिर बाकी नहीं। मुझे दुश्मन से दुश्मन लिखने वाला, खिलाफत मुआविया और यजीद जैसी किताब लिखने वाला, और इस तरह से अपने हुसैन को सरसरी नजर से देखने वाले, करबला की हद तक तो सारी मुंशिकाफियां कर सके, मगर जिसका इनकार न कर सके वो ये वाकया। हाँ, नबी की नवासी और दरबार। गैरत मुस्लिम को क्या हुआ, पर्दा और बेपर्दगी जाने दो। मैं आज उन उमूर की तरफ मुतवज्जह करूंगा जहां इसका इम्कान है कि रोते रोते दिल फट जाए। फिर एक मरतबा गौ, तारीख अव्वलीन और आखरीन में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, कोई ऐसा बाब नहीं है, कोई ऐसा वरक नहीं है कि जिसमें इस तरह से किसी वाकये को पेश किया गया हो, किसी नबी के साथ, किसी वली के साथ, किसी वसी के साथ। और फिर यहां कुछ ज्यादा पुश्तें नहीं गुजरी, दरबार में कौन आया, नवासे का सर आया। दरबार में कौन आए, रसूल की बेटी आई। मेरी जाने कुर्बान, हम सब की जाने कुर्बान शहजादी, आपके नाखून पाए अकदस पर दिले मोमिन कुर्बान। अब यहां से रिवायत मख्तल की नहीं है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रावी है, मख्तल नहीं है ये, आबिद बीमार रावी, कि हम आए और जहां ठहराए गए थे वहां से हम बाजार में आए। मासूम फरमाते हैं कि कम से कम 5 लाख कमाशाई थे। और तस्वीर ये है, मासूम फरमाते हैं कि सबसे आगे आगे मेरे मां बाप सब थे, सबसे आगे आगे अब्बास का सर, अलंबरदार का सर, और उसके बिल्कुल मुत्तसिल अली अकबर का सर, उसके साथ साथ आनो मोहम्मद के सर, अजीजों के सर। शेख अब्बास कुम्मी लिखते हैं कि अजीजों के सरों के फौरन बाद हुर का सर था, और हुर के कान को डोरी से कुछ लिख के बांध दिया गया था। किसी ने पूछा ये क्या लिखा है, इब्ने ज़ियाद ने यजीद को इत्तला दी है कि करबला आने से पहले हुर ने हुसैन की शान में एक कसीदा कहा था और बनी उमैया की तौहीन की थी, यह कसीदा इसके कान में आवेदा कर दिया गया है ताकि दरबार में लोग पढ़े और जान ले कि हुर की नीयत पहले से खराब थी। और सबके पीछे फरजंद रसूल का साथ, आबिद बीमार कहते हैं, जरा ऐसा मुझे सुनते जाइए, अब मुझ में भी हिम्मत नहीं रही। आबिद बीमार कहते हैं कि सबसे पीछे यह सर था और मेरी फुपी के नाके से मुत्तसिल, इसलिए जो कोई मोहम्मद के नवासे को देखता उसकी निगाह फुपी पे जाती।
मेरी पुती ने पुकार के कहा, आबिद बीमार, क्या कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि भाई का सर आगे हो जाए। आबिद बीमार कहते कि एक शख्स ने आके सलाम किया। मैंने कहा तू कौन है? कहा मदीने का रहने वाला हूं, सहलिब ने साइद मेरा नाम है, फरजंद रसूल अकेला हूं, ज़ईफ हूं, 70 बरस से ज्यादा का सिन। रसूल के इंतकाल के वक्त सहल का सिन 16 बरस का था। फरजंद रसूल ज़ईफी में क्या करूं? कहा सैर ऐसा मुमकिन है कि इस नैजा लेके जाने वाले को तू आगे कर दे, सहल के तमें आगे बढ़ाओ। मैंने अपने जेब में से 1000 दिरहम निकाले, उसके हवाले किए और मैंने हाथ जोड़े, खुदा के लिए इस सर को आगे ले, ये मोहम्मद की नवासी है, ये फातिमा की बेटी। सहल बयान करता है कि वो आहिस्ता से सर को लेकर चला और तमाशाइयों में शिद्दत हुई। हर ग्रोह यह चाहता था कि नजदीक आके तमाशा करे, और उधर यजीद का हुक्म था लाओ लाओ कैदियों, और यहां तमाशाई जाने नहीं देते। जिस दरवाजे पर आके रुके उस अंबोह में, वहां 3 साल तक अहले बैत आगे न बढ़ सके, इसलिए उसको बाबुस साआत कहा गया कि 3 घंटे तक अहले बैत खड़े हुए। तमाशाइयों का हुजूम है, तफ बज रहे हैं, तंबूर बज रहे हैं, शादियां बज रहे हैं, मूसीकी हो रही है, रक्स हो रहा है, पूरे शाम में आईना बंदी है, पूरे रास्ते सजाए गए हैं। आज नबी आखिर जमान का घराना आ रहा है। मासूम कहते हैं कि जब यजीद बेचैन हो गए कि मैं कब तक इंतजार करूं, तो शामियों ने एक मरतबा यह ऐलान किया कि देखो हम आ रहे हैं, और मजमा उधर गया। इन्होंने एक गली से रास्ते को बदल दिया और बेख्तियार दरबार के करीब आए। दरबार के करीब आए, साहिब रियाज कहते हैं कि दरबार में जगह न थी, इसलिए मस्जिद में दरबार हुआ। शाम की मस्जिद में दरबार हुआ, यानी जिसमें अब अजा होगी ना उसमें नवासी आई है मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह, ये इस्लाम बर्दाश्त कर लेगा इस दाग को? इस्लाम बर्दाश्त कर लेगा इस दाग को? या अली कहके शहजादियां नाकों से उतरी, नाकों से उतरी। मेरा मजलूम इमाम कहता है जैसे ही शहजादियां नाकों से उतरी, अतौना बेहिबाले वो रबकूना मिस्र लगनामी, कुछ रस्सियां लाई गई और हमको जानवरों की तरह से बांधा गया। ये इमाम ज़ैन लाबिदीन के जुमले हैं, अतौना बेहिबाले वो रबकूना मिस्र लगनामी, कुछ रस्सियां लाई गई। और उसके बाद मासूम कहते हैं कि सबसे पहले मेरे बाजू को बांधा, फिर उसके बाद मेरी फूफी के बाजू को बांधा, और फिर उसके बाद सकीना के गले को बांधा। आप हजरात परेशान न हो, आप हजरात हैरत न करें कि ये जाकिर कितनी देर बयान करेगा। अरे आज तो दिल चाहता है कलेजा फट जाए। दिल चाहता है कि यही दम निकल जाए। हुकूमत का दरबार और ज़ैनब, सबको बांधा और कहा अदब से चलो, अदब से चलो, हाकिम का दरबार है, हाकिम का दरबार है। आबिद बीमार कहते हैं मैंने अपनी फूफी से ज्यादा किसी को जरी नहीं पाया,
मैंने अपने फूफी से ज्यादा किसी को शुजा नहीं पाया। एक एक बच्चे को देख के कहती थी, न घबराना मैं साथ हूँ, कौन तुमको नुकसान पहुँचा सकता है। बेटी सकीना इधर आओ, बहन मेरे साथ चलो, उम्मे फरवा मेरे साथ चलो, उम्मे लैला मैं हूँ ना, घबराना नहीं। अभी जब बीमार कहते हैं कि ऐसे आलम में इस दरबार को पहुंचने के लिए 7 दरवाजे बनाए गए, हर दरवाजे पर दोनों तरफ 5,000 सवार अपने लश्कर की शान दिखलाते हुए अपनी तलवारों और सिनानों के साथ खड़े हुए, और हमारा काफिला रसन बस्ता गुजर रहा था। और शहजादी एक एक बीवी को दिलासा देते हुए लेके चल रही थी, एक दरवाजे को अबूर किया, दूसरे दरवाजे को अबूर किया, मुड़ के कहती थी, बेटे मेरा ख्याल न करना, मैं चल रही हूँ, मैं जा रही हूँ बेटी। दूसरे दरवाजे को तय किया, तीसरे दरवाजे को तय किया, चौथे दरवाजे को तय किया, पांचवें दरवाजे को तय किया, छठे दरवाजे को तय किया, 7वां दरवाजा और वो यजीद का तख्त। आप इसे बीमार कहते हैं, मेरा दिल घबरा रहा था मेरी फूफी को देख के, एक मरतबा जैसे बीबी की नजर पड़ी, कमर थाम के बैठ गई। और उसने उधर से शिद्दत की, चलो। हाकिम बुला रहा है, आबिद बीमार हाथों को जोड़े हुए फूफी के पास गए। फूफी अम्मा इतनी हिम्मत से यहाँ तक आई ना, फूफी अम्मा आप क्यों आगे नहीं बढ़ती। कहा बेटे चलूंगी 21वीं रमजान को मरते वक्त बाबा ने कहा था जैनब मैं भी आऊंगा बेटे, बाबा को पुकारती हूँ, आओ बाबा।